वेलकम टू अ चैनल। आज के चटोरे की टीम आ गई है लड्डू गोपाल यानी विकास भाई। कहाँ पर? लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट, ये फैमिली रेस्टोरेंट है। दिस इज अ फैमिली रेस्टोरेंट। आप यहाँ पर आके बर्थडे पार्टी वगैरह किसी को होता है विकास भाई, क्योंकि बर्थडे पार्टी वगैरह करनी है। विकास हमें अपने चैनल पे कुछ दिखाते ही है कि भाई पार्टीज वगैरह कहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको फूड मिलेगा, स्पेस मिलेगा और जो एक जगह मिलेगी वो लड्डू गोपाल। जैसे कि आप पीछे का डेकोरेशन मेरे देख ही रहे होंगे वीडियो के अंदर, कि यहाँ पर स्पेशली हमें मोहित भाई ने इनवाइट कराए कि एक बार यहाँ पे आके डेकोरेशन देखिए, यहाँ का खाना देखिए, यहाँ के प्राइजेस देखिए। तो हमने कहा एक बार मोहित भाई का चैनल तो चैलेंज विकास भाई लेना ही पड़ेगा ना। मोहित भाई का चैलेंज हमने एक्सेप्ट करा और आगे हम टेस्ट करते हैं कि कैसा फूड है और ट्राई करते हैं। क्योंकि विकास भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पार्टी के अंदर? सेफ्टी, क्वालिटी एंड डेकोरेशन। हेलो भाई, हमारी लड्डू गोपाल की स्पेशल थाली आ चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं कि दाल मखनी है। दाल मखनी का टेक्सचर देख सकते हैं, अभी मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा। इसमें आपका कढ़ाई पनीर दिख रहा है आपको, ये आपका मिक्स वेज हो गया। इसमें आपको रायता मिल जाएगा, सैलेड मिल जाएगी, स्वीट मिल जाएगी जिसमें आपको गुलाब जामुन। तो विकास भाई मेरे हिसाब से अगर भैया इस तरीके की गाड़ी गाड़ी सब्जी दे रहे हैं, आपने जैसे कि बताया कि ये सारी चीजें यहाँ पर है और स्वीट्स भी है, और सबसे अच्छी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे चटनी और प्याज अलग अलग दिया भैया ने। हाँ भाई, यानी और आप इसमें देख सकते हैं लच्छा पराठा और बटर नान, आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेगा। और आपको ये पापड़ भी आपको इसी मील में मिलने वाला है। तो विकास भाई पापड़ एक जो है खाने पे सोने पे सुहाग आया, अगर करारा पापड़ मिल जाए तो हमें खाने के अंदर मजा बांध देता है खाने का। तो मुझे तो अभी खुशबू यहीं से आ रही है, तो मैं तो भाई वेट कर नहीं सकता इस खाने का, इसको टेस्ट करके बताते हैं। तो हम अब खाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की स्पेशल थाली। विकास भाई क्या स्पेशल थाली लड्डू गोपाल जी की? अब कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। अब मैं आपको बता दूं, स्पेशल थाली जब होती है ना तो उसकी स्मेल और उसको खाने का जो मजा आता है ना भाई, मैं तो भाई इंतजार कर नहीं पाऊंगा। विकास भाई मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं अपनी तो पहले आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे तीनों सब्जियों में से? भाई पहले मैं जो मेरी फेवरेट दाल मखनी मेरे को लग रही है तो मैं इसको ट्राई करूंगा। विकास भाई इसका गाढ़ापन देख रहे हो आप, कितने जबरदस्त तरीके से इसको कुक किया गया होगा भाई, मेरे को टेस्ट करना होगा। चलिए आप एक टेस्ट करके बताइए अपने दर्शकों को किस तरीके का टेस्ट है यहाँ पे जो स्पेशल थाली है लड्डू गोपाल जी की। भाई जो मैंने बटर नान लिया, इतना सॉफ्ट बटर नान है, इसमें इतना क्वालिटी वाला बटर नान है। और आप दाल मखनी की तरफ जाते हैं तो दाल मखनी का जो टेस्ट है, मसाले और इसमें जो सब कुछ लगा है बिल्कुल परफेक्ट है। कहना चाहूंगा कि विकास भाई ने जो इसको टेस्ट करा था वो ब्रेड के साथ करा था, बट जो असली दाल की क्वालिटी और उसके मसाले जो होते हैं ना, अगर उसको विदाउट ब्रेड एक बार टेस्ट करके देखें तो पता लगता है। मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कि मसालों की क्वांटिटी और क्वालिटी किस तरीके से दाल रखी है। परफेक्ट दाल मखनी, परफेक्ट कुकिंग। और आपको बता दूं कि दाल मखनी की असली निशानी ये होती है कि परफेक्ट गाढ़ी हो, जैसे आप देख रहे हैं। अब भाई नेक्स्ट हम चलते हैं कढ़ाई पनीर पे। तो विकास भाई कढ़ाई पनीर आपने यहाँ पे खाया, कहीं और भी खा रखा है पहले? नहीं भाई, कढ़ाई पनीर मैं फेवरेट डिश है तो मैं कढ़ाई पनीर खाता हूँ। और क्या नाम से इसको मैं लच्छे पराठे के साथ टेस्ट करना चाहूंगा। और इसका बिल्कुल बढ़िया, जिसको कहते हैं ना कढ़ाई पनीर, आपको पता है स्पाइस के नाम पे फेमस है, एकदम स्पाइसी और मतलब मूड को आपको बढ़िया करने वाला। जिसकी मैं बताऊंगा जिसकी फेवरेट कढ़ाई पनीर डिश है उनको लड्डू गोपाल आते हैं रेस्टोरेंट से एक बार थाली तो ट्राई करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की स्पेशल थाली जो है यहाँ पे। और मैंने कि जैसे आपको कहा था कि पहले मैंने दाल मखनी उसी तरीके से टेस्ट करी थी विदाउट ब्रेड, तो मैं कढ़ाई पनीर भी विदाउट ब्रेड ही टेस्ट करना चाहूँगा ताकि मसालों का टेक्सचर पता लगे। परफेक्ट दाल मखनी एंड परफेक्ट कढ़ाई पनीर, मूड आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा दाल मखनी के टेस्ट के साथ, एकदम स्पाइसी आप खाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आई एम पंजाबी, बट ऐसा कढ़ाई पनीर कहीं कहीं खाने को मिलता है, बट यहाँ पे जो स्पाइस और क्या कहते हैं मसालों का टेक्सचर है लड्डू गोपाल जी की स्पेशल थाली के अंदर, वो
वो मैं सही में बता रहा हूँ, अगर एक बार आपने टेस्ट करा तो आप बार बार खाएंगे, ट्रस्ट में। अब हम जाते हैं जिसके बिना थाली इनकम्प्लीट रहती है, मिक्स वेज पर। मिक्स वेज थाली को बाद ही रखती है इस तरीके से, तो मैं अब इसकी मिक्स वेज ट्राई करूँगा। भाई साहब तो आप ये देख सकते हैं मिक्स वेज में भी आपको पनीर वगैरह की क्वांटिटी मिलेगी, ये नहीं किसी किसी में मिक्स वेज में पनीर वगैरह को अवॉइड किया जाता है, बट आप ये देख सकते हैं। तो विकास भाई जैसा आप देख रहे हैं मिक्स वेज के अंदर जो इन्होंने पनीर की क्वांटिटी दे रखी है, पनीर है इसमें, बीन्स है इसमें, टमाटर है, गाजर है इसमें, प्रॉपर ही मिक्स वेज जो कहते हैं ना उसको प्रॉपर कहते हैं। हाँ, तो मैं आपको थर्ड आइटम, अभी आइटम खत्म हुई है लड्डू गोपाल जी की स्पेशल थाली के अंदर, अभी मैं आपको थर्ड आइटम चेक करके बताऊंगा कि इसके मसाले का टेक्सचर कैसा है। देख रहे हैं आप कि रंग ही बता देता है कि मिक्स वेज कितना जबरदस्त होगा। ये देखिए आप रंग ही कितना जबरदस्त है इसका, मसाले की क्वांटिटी देखने से ही पता लगती है, तो खाने में कितना मजा आएगा। अब मैं खाता हूँ, ईच एंड एवरी वेजिटेबल जो है पूरे तरीके से पकी हुई है, कोई भी कच्ची वेजिटेबल नहीं है मिक्स वेज के अंदर। एक आप स्पून लेते हो ना तो उसी में आपको पूरा टेस्ट आ जाएगा कि इसमें मतलब सारा वेजिटेबल आएगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली वेजिटेबल का टेस्ट आ रहा होगा, अलग अलग जैसे जिसको चबा रहे हैं उस वेजिटेबल का टेस्ट अपने आपको गोभी भी दिख रही है मिक्स वेज को ओपन। भाई मैं अभी पापड़ खाना चाहूँगा क्योंकि पापड़ क्रंची है, एक बार दिखाइए पापड़ कितना क्रंची है और आसानी से टूट रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी जिंदगी की रायता भी, मेरा भाई देख कितना गाढ़ा रायता है, चेक कर रहा तू? सी रायता भी खाइए, रायता कितना गाढ़ा है, रायता देख लो विकास भाई, बूंदी है साथ है, बूंदी रायता है कसम से, ट्राई फेवरेट ऑल्सो। जो मोहित भाई ने बोला था स्टार्टिंग में क्वालिटी जबरदस्त मिलेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी देख रहे हो कितनी सारी है। हम दोनों भाई मिलकर खा रहे हैं तो पेट भर जाएगा, एक सिंगल बंदा नहीं खा पाएगा। एक चीज बोल रहे हो, राइस तो रहेगा, राइस तो राइस में आप देखिए सिंपल राइस नहीं है, राइस के अंदर वेजिटेबल्स राइस है, वेजिटेबल्स देख रहे हैं आप देखिए चावल दिखा रहे हैं, क्वालिटी है, अलग अलग हो रहा है मिक्सचर, क्वालिटी है राइस। अब भाई मैं गुलाब जामुन की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि मीठे का मैं कीड़ा हूँ, मीठे के बिना तो भाई थाली इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो गाइस मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ और ये बहुत गर्म गुलाब जामुन है और मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ एक और खा लो भाई। मीठे का टेक्सचर कैसा है, किसी में बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, किसी में बहुत ही कम होता है, तो परफेक्ट। इसको हम इस थाली को कितने नंबर देना चाहेंगे, हम पूरी प्रॉपर गोपाल जी की जो थाली है स्पेशल थाली 10/10 ही दे दूंगा भाई, 10/10 विकास भाई की तरफ से दिए गए, मैं इस थाली को देना चाहूंगा 10/10 ऑल्सो क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेट में। हाँ हमने अभी इसका प्राइस तो आपको नहीं, इसका ये सब आपको टेस्ट भी खाना, ये अब इसका हम प्राइस भी देख लेते हैं भाई, महंगा तो नहीं है भाई, 220 में आपको इतना सब्जी और हम दो भाई खा पाएंगे, मैं बता रहा हूँ सिंगल 220 भाई, 220 में आप क्वालिटी दे रहे हो आप, 220 विथ फिटिंग और इंक्लूड ऑल टैक्स, तो भाई मोहित भाई ने तो विकास भाई मजाक तो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर लिया मोहित भाई का, पहले बात बताओ मजाक तो नहीं कर रहे भाई, 220 हाँ भाई 220 प्रॉपर आपके लिए सूटेबल है, जैसे आप देखेंगे काउंटर पे कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे अलग अलग टेबल, और विकास भाई मैं कह रहा हूँ एक बार टेबल की तरफ देखिए कि यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन टेबल है, आप देखेंगे हल्का सा भी यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं है, तो यहाँ पे पूरे क्लीननेस दिखा रखी है, और विकास भाई बहुत जोर है यहाँ, और थीम है और कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन भी भैया ने मोहित भाई ने बहुत बढ़िया बना रखा है रेस्टोरेंट का, देखिए बुक का जो होता है कॉम्बिनेशन वो बहुत ही अच्छा होता है,
और देखिए आप काउंटर पे कैसे इन्होंने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी ले रहे हैं मोहित भाई। ये सबसे अच्छी बात पता है विकास भाई क्या होती है, जैसे कैशलेस क्या कहते हैं पेमेंट अगर कहीं पे हो ना तो इसका एक अलग ही फायदा होता है कि लोगों को कैश निकालने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के अंदर। तो मैं विकास भाई ये देखिए पूरे तरीके से रेस्टोरेंट है यहाँ पे और यहाँ पे अच्छी तरीके की गैदरिंग हो सकती है, ऐसा कि मोहित भाई लाइट म्यूजिक भी चल रहा है आपके मूड के हिसाब से, म्यूजिक भी आप म्यूजिक भी है। और विकास भाई सबसे बढ़िया जो मुझे जगह लगी ना यहाँ वो लगी ये देखिए बूढ़ा जी। हाँ ठीक है, ये एक अलग जैसे ये अपना कॉलेज बॉयज वगैरह के लिए यंगस्टर्स के लिए कितनी अच्छे आएंगे विकास भाई। व्यू है भाई व्यू ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर गैदरिंग अगर भाई ने बोला 50 तो 50 की गैदरिंग है। हाँ। और 25 में आप आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हो। सबसे अच्छी और भी बात विकास भाई क्या है कि फैमिली को अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पूरी आपका फैमिली टेबल लग जाएगी, आइए देखिए फैमिली टेबल। और जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अभी पार्टी हुई है आप देख सकते हैं। आपका स्वागत है, तो आप बताइए आपने हमें ये कहा था कि पार्टी के लिए सबसे जबरदस्त जगह है यहाँ तरीके से जबरदस्त इस वजह से है अगर आप फूड लें वी हैव वेरी डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी फूड। आप एम्बियंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सर्विस एक्सीलेंट सर्विस, देयर इज नो डाउट कि सर्विस में हमारी कोई प्रॉब्लम है। एंड उसके अलावा जो हमारे प्राइस हैं दे आर वेरी रीजनेबल वेरी अफोर्डेबल, इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड हमारे पास लाइटिंग म्यूजिक है जो कि हियर ऑल्सो म्यूजिक चल रहा है हमारा। राइट भाई आपने सबसे जरूरी बात होती है रीजनेबल प्राइस हमारी कस्टमर के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से आपको सबसे ज्यादा रीजनेबल प्राइस आपको मिल जाएंगे और विद डेकोरेशन अगर पार्टी आपको कर रही हो रीजनेबल प्राइस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू द एम्बियंस विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो मोहित भाई कोरोना काल के अंदर फूड की जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है और उसकी सेफ्टी होती है उसका आप कितना ध्यान दे रहे हैं? कोरोना कॉल में हम जितने भी कोविड गाइडलाइंस हैं एज स्टेटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट हम सब फॉलो करते हैं। हमारे चाहे विद रिस्पेक्ट टू मास्क विद रिस्पेक्ट टू सैनिटाइजर क्लीनलीनेस फूड स्टोरेज एवरीथिंग हम प्रॉपर प्रिकॉशन सेफ्टी के साथ करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं जब मैं मोहित भाई के यहाँ पे आया था रेस्टोरेंट में तो उन्होंने मास्क लगा रखा था, वो हमारी रिक्वेस्ट पे मोहित भाई ने अपने हाथ में पकड़ रखा था क्योंकि उसका वॉइस का थोड़ा पावरफुल रहता है, तो इसलिए मोहित भाई ने मास्क उतारा अपना। प्रॉपर इनकी टीम जो है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सर्वर्स हैं और मोहित भाई ने यहाँ पे प्रॉपर मास्क लगा रखा था, तो यहाँ पे जिस तरीके कोरोना प्रोटोकॉल मोहित भाई बता रहे फॉलो तो हो रहे थे मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा। तो मोहित भाई एक चीज और बताइए कि अगर जैसे ये सब होता रेस्टोरेंट के अंदर गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी में पार्किंग इशू वगैरह पार्किंग इशू बहुत होता है, हमारे पास बाहर पार्किंग है आराम से 4-5 व्हीकल्स यहाँ पे आराम से पार्क हो सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। अगर 5-6 हो तो आप अरेंज कर लेते हैं बाहर पार्किंग हो जाओ पार्किंग हो जाए वैसे हमारे यहाँ 50 के अराउंड आ सकते हैं बट अभी दिल्ली गवर्नमेंट के बिकॉज ऑफ दिस कोरोना 50% चल रहा है तो हम 25 तक ही लेते हैं। 25 की आप पार्टी कर सकते हैं अगर आप कोई बर्थडे प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आके बर्थडे इतना तारीफ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की क्या होती है कि वो गवर्नमेंट के जब रूल्स फॉलो करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि वो लोग सेफ्टी की परवाह करते हैं। इस तरीके से होता है मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो मोहित भाई अब आपकी यहाँ पे जो सबसे तभी स्पेशल है खाने की वो बताइए वो हम कहना चाहते हैं। स्पेशल चीज कौन सी है आपको? स्पेशल तो हमारा हर आइटम है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टर जिसमें हमारे चाप बहुत फेमस है, देन हमारे छोले भटूरे भी बहुत जाते हैं, देन जो मेन स्पेशलिटी हमारी वो लड्डू गोपाल स्पेशल थाली है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 220 रुपीज और वो बहुत फेमस है। इनफैक्ट हम कॉर्पोरेट में भी डिलीवर करते हैं 100, 150, 200 ऐसे हमारी पैकिंग थाली मतलब 220 में थाली। तो मोहित भाई ये 220 जो थाली है उसमें कितने पोर्शन तक खा सकते हैं? एक के लिए ही होता है एक के लिए ही होता है थाली बट दैट इज सफिशियंट फॉर 1 पीस। तो देखिए मेरे हिसाब से कोरोना काल के अंदर कोई रेस्टोरेंट आपको 220 रुपए में अगर खाली दे रहा विद हाइजीन मोहित भाई विद हाइजीन का तो बहुत ही इसमें देख पा रहे। तो मोहित भाई अगर किसी को यहाँ पे रीच करना हो जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो तो आपसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट हो सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आप यहाँ पे हमारे पास आए हम आपको पार्टी का पूरा डिटेल बताएंगे हमारे
वी हैव स्पेशल क्यूरेटेड मेन्यू फॉर द पार्टी, तो वो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कितने पर्सन कैसे होगा। तो बेस्ट तो यही है कि आप इनहाउस आए और यहाँ पे उसे समझे सारा, बट अदरवाइज हमको कॉन्टैक्ट करने के मैकेनिज्म काफी है। वी हैव फेसबुक, वी हैव वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन गूगल ऑल्सो। इफ यू सर्च ऑन गूगल टाइप लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप तो आपको हमारा पेज दिख जाएगा, उसमें हमारा उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे @ लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट डालेंगे तो भी हमारा फेसबुक खुलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें है हमारा सारा, ईमेल आईडी है, आप वेरियस टू दिस मीन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस 543 हाजीपुर शादा अगर नियरेस्ट हो या लोकेशन ट्रैक हो जाए आपकी तो गूगल पे है, गूगल से ऐप पे डालो लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट, आपको वो सीधा